दोस्तों नमस्कार, ये हमारे एक व्यूवर का एडसेंस अकाउंट है। इनके एडसेंस अकाउंट में मैं मैनेज टैक्स इन्फो US टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैनेज टैक्स इन्फो भरने के लिए कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आता है, तो हम यहाँ मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक करके टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, या यहाँ ऊपर नोटिफिकेशन के आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी हमें मैनेज टैक्स इन्फो भरने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यदि आपके पास दोनों जगह में ऑप्शन नहीं मिल रहा है मैनेज टैक्स इन्फो भरने का, तो यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके पेमेंट्स के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। पेमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमें पेमेंट्स इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब पेमेंट्स इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी और यहाँ नीचे हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए हमें मैनेज सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैनेज सेटिंग्स के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगी, और अब यहाँ भी हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो के सामने पेंसिल के निशान पर हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो के सामने पेंसिल के निशान पर हमें क्लिक करना होगा। पेंसिल के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें मैनेज टैक्स इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब मैनेज टैक्स इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एड टैक्स इन्फो के ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। एड टैक्स इन्फो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आगे हमें स्टार्ट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। स्टार्ट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आगे जीमेल का पासवर्ड डालना है। यहाँ पर हमें अपने जीमेल आईडी का पासवर्ड डाल देना है। अब जीमेल आईडी का पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर हमें सबसे पहले इंडिविजुअल के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो अब यहाँ पर इंडिविजुअल के सामने हम टिक करेंगे और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आर यू अ सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट के नीचे नो पर टिक करना है। दोस्तों यहाँ पर नो पर टिक करना है और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब नीचे WADBEN के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। WADBEN के सामने वाले बॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे स्टार्ट WADBEN फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब स्टार्ट WADBEN फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमें अपना नेम चेक कर लेना है, क्या वही नाम यहाँ पर शो कर रहा है जो हमारा पैन कार्ड में है। और इसके बाद इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए कंट्री रीजन ऑफ सिटीजनशिप के सामने एरो के निशान पर क्लिक करेंगे और यहाँ अपने कंट्री का सिलेक्शन कर लेंगे। कंट्री का सिलेक्शन करने के बाद नीचे फॉरगेटिंग टिन के ऑप्शन पर हमें अपना पैन नंबर जरूर डालना है। पैन नंबर डालने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और अब हमें सेकंड ऑप्शन पर जाना है। सेकंड ऑप्शन एड्रेस में हमें परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस के नीचे वाले बॉक्स पर टिक करना है और नीचे स्ट्रीट एड्रेस के ऑप्शन पर आप क्लिक करना है। तो स्ट्रीट एड्रेस के ऑप्शन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे गूगल एडसेंस में जो एड्रेस डाला हुआ है वो नीचे शो करने लगेगा, तो उसी पर हमें क्लिक कर लेना है। अब स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, पिन कोड, स्टेट, ये सारी चीज़ें डालने के बाद नीचे पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस के सामने वाले बॉक्स पर हमें टिक करना है। बॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। थर्ड ऑप्शन टैक्स ट्रीटी में हमें आर यू आर क्लेमिंग अ रिड्यूस रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी में नीचे यस के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यस के बॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे रेसिडेंट ऑफ द फॉलोइंग कंट्री के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है और नीचे कंट्री का सिलेक्शन कर लेना है। अब कंट्री का सिलेक्शन करने के बाद नीचे सर्विसेज एस एडसेंस के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है। बॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे आर्टिकल एंड पैराग्राफ पर क्लिक करना है और आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 को सेलेक्ट कर लेना है। विथ होल्डिंग रेट के ऑप्शन पर क्लिक करके 0% रिड्यूस ड्यूटी रेट के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। अब नीचे अस अटैच्ड रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाइड के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है और नीचे मेंशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज के सामने वाले बॉक्स पर भी टिक कर लेना है। मेंशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टी के सामने वाले बॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे आर्टिकल एंड पैराग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आर्टिकल एंड पैराग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A को सेलेक्ट कर लेना है।
विथ होल्डिंग रेट पर क्लिक करके यहाँ पर हमें 15% रिड्यूस ट्रीटी रेट को सिलेक्ट करना है। अब नीचे अस अटैच्ड रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाइड इन के सामने वाले बॉक्स पर फिर से टिक करना है और नीचे अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज के सामने वाले बॉक्स पर भी टिक कर लेना है। अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज के सामने वाले बॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे आर्टिकल एंड पैराग्राफ के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A को सेलेक्ट कर लेना है। विथहोल्डिंग रेट में 15% रिड्यूस ट्रीटी रेट को सिलेक्ट करना है। अब नीचे अस अटैच्ड रेसिडेंट ऑफ द कंट्री आइडेंटिफाइड के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब फोर्थ नंबर के ऑप्शन एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्मेड इन द US के नीचे नो के ऑप्शन पर हमें टिक करना है, तो यहाँ नो के सामने वाले बॉक्स पर टिक करेंगे और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। अब नीचे आई सेंट्रीफाइज दैट द सर्विसेज के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। नीचे गो पेपराइज के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है और नीचे आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट के सामने वाले बॉक्स पर टिक कर लेना है और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गेट डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट के सामने वाले बॉक्स पर टिक नहीं करना है और इसके बाद नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और अब 6 नंबर के ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स प्रीव्यू के ऑप्शन में नीचे आई कंफर्म दैट आई हैव रिव्यूड के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है और नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और अब 7th नंबर के ऑप्शन सर्टिफाइड एंड साइन के नीचे अंडर पेनल्टीज ऑफ पेरिजरी के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है। और नीचे आई सर्टिफाई अंडर पेनल्टीज के सामने वाले बॉक्स पर फिर से टिक करना है। बॉक्स पर टिक करने के बाद नीचे करंट ईयर डालना है, यहाँ पर 2020 लिखा हुआ है, यहाँ पर करंट ईयर जो भी होगा वो डालेंगे। और अब डिस्क्रिप्शन एंड डेट फॉर ईच चेंज टू टैक्स फॉर्म ऑप्शनल है, इसे छोड़ देना है। और पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हुए यस आई एम द बेनिफिशियरी ओनर के सामने वाले बॉक्स पर टिक करना है और नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों, अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपका मैनेज टैक्स इन्फो यूनाइटेड टैक्स फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। किसी किसी केसेस में यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है, तो अब आप देख सकते हैं इनका यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो फॉर्म अप्रूव्ड हो चुका है। वीडियो में कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।